जय हिंद जय भारत। इस वक्त इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी के एक्सपर्ट हम लोगों के बीच हैं, जो आरजेएस एडवाइज़र भी हैं। और आज़ादी की अमृत गाथा के 150 कार्यक्रमों की कड़ी में हम लोग 105 कार्यक्रम कर चुके हैं। और इस वक्त बात हो रही है 24 दिसंबर, जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, नेशनल कंज्यूमर डे। ये भारत सरकार द्वारा पूरे भारत में मनाया जाता है। तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग जानना चाहेंगे, जिन्होंने कि लगभग 40 साल उपभोक्ता आंदोलन को अपने जीवन के दिए हैं, ऐसी महान हस्ती प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी, आपका स्वागत है आरजेएस पॉजिटिव मीडिया में, आरजेएस वाणी में। नमस्कार। और 24 दिसंबर रविवार, हर रविवार आरजेएस वेबिनार में हम लोग, जो दिल्ली पुस्तक मेला लग रहा है, उसमें आज़ादी की अमृत गाथा का भी एपिसोड कर रहे हैं। तो भारत के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत सरकार के ध्यान में कैसे आया, इसकी क्या कहानी बनी थी। जी प्रोफेसर बिजोन मिश्रा जी। उदय मन्ना जी नमस्कार, और सारे आरजेएस परिवार के सदस्यों को नमस्कार। और हम बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग 150 एपिसोड्स की तरफ जा रहे हैं, जो हम लोग सोचे थे 75 एपिसोड्स करेंगे आज़ादी का अमृत गाथा का उपलक्ष में, 75 ईयर सेलिब्रेशन में, और अब हम लोग 150 पे जा रहे हैं। और उपभोक्ता नेशनल कंज्यूमर डे 2022 की उपलक्ष में हम पहले तो आप लोग सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग ने सब लोग जुटकर इस उपभोक्ता अधिकार को लेकर एक आंदोलन के रूप दे पाए हैं, इसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं। और आप लोग सबको मतलब कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं कि आप लोग ने इसमें इतने भागीदारी के साथ इस काम को निभाए। और ये शुरुआत 24 दिसंबर इसलिए हुआ क्योंकि 1986 में 24 दिसंबर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम इन द कंट्री उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का पालित किए, वो उनका कंसेंट मिला, उनका एसेंट मिला, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हमारे देश में शुरू हुआ, जहाँ पे उपभोक्ताओं का अधिकार, 6 अधिकार को लेकर हम लोग अब एक कानूनी रूप से लोगों को ये अधिकार दिला सके। जैसे सुरक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अवेयरनेस का अधिकार, कंज्यूमर के गुणवत्ता के अधिकार, सुनवाई के अधिकार, ये सारे अधिकारों को एक लीगल रूप हम लोग दे पाए। और इसीलिए ये हम लोगों का शुरुआत हुआ 24 दिसंबर के दिन को लेकर एक नेशनल कंज्यूमर डे मनाना। और वर्ल्ड भर में 15 मार्च मनाया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, बिकॉज 15 मार्च को हमारे प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी ने कंज्यूमर राइट्स बिल पास करवाए थे, जिसके चलते हम लोगों सबको यूएन बॉडीज जितने मेंबर्स कंट्री हैं उनको सबको लेकर हम लोग इसको आगे बढ़ सके हैं। और आज इंडिया भी बहुत ही सक्रिय रूप से इसको लेकर चल रहे हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि शुरुआत 24 दिसंबर 1986 से शुरू हुआ और अब हम लोग 2022 में पहुँचे हैं, और इस साल भी बड़े जोश से हम लोग इसको मनाएंगे और इसको आगे ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आखिर इसकी जो ज़रूरत है उसको किस तरह से भारत सरकार ने इम्प्लीमेंट किया, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी, देखिए शुरुआत हुई थी सारे कंज्यूमर फोरम्स, स्टेट कमीशंस, नेशनल कमीशन जो 1987 में शुरू किए, फर्स्ट नेशनल कमीशन आया, जस्टिस एराडी उनके फर्स्ट चेयरपर्सन प्रेसिडेंट बने नेशनल कमीशन के। और हमको याद है बिहार फर्स्ट स्टेट था जो स्टेट कमीशन गठन किए इंडिया में, तो इस ढंग से शुरुआत हुआ। और वो भी हमको याद है कि बिहार सरकार ने जब शुरू किया स्टेट कमीशन,
तो जस्टिस आर एन ठाकुर के घर के वरांडा से इसका बैठक शुरू हुआ। स्टेट कमीशन बैठे फर्स्ट टाइम किसी के निवास के वरांडा से शुरू हुआ। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मैन पावर नहीं था, यू नो, बट लेकिन शुरुआत हुआ। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के अंदर वो मिशन मोड था, जैसे जस्टिस आर एन ठाकुर, यू नो, के श्रीवास्तव वो मेंबर रहे, रमा देवी एक बहुत रिनाउंड फ्रीडम फाइटर, वो इनके मेंबर रहे बिहार में, और इन लोग सब एक मिशन मोड पे इसको शुरू किया और वहाँ से शुरुआत हुआ। और हमको ये भी याद है कि कई स्टेट्स इसको पालित नहीं कर रहे थे और हम लोग को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ गया ऑर्डर लेने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पे सारे स्टेट्स, फिर डिस्ट्रिक्ट फोरम जो आजकल कमीशन कहा जाता है, और स्टेट कमीशन्स गठन किए और लोगों का सुनवाई शुरू हुआ, कंज्यूमर कंप्लेंट्स की सुनवाई शुरू हुआ। और इस कानून में सबसे बड़ा अहम बात यह है कि हम लोग किसी को जेल नहीं भेजना चाहते हैं, फाइन नहीं करवाना चाहते हैं। हम लोग केवल ये चाहते हैं कि कंज्यूमर का यदि कोई क्षति हुआ है, वो क्षति की पूर्ति होनी चाहिए। यदि उनके धोखा किया गया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुआ है, तो उनके जो भी क्षति हुआ है उसका पूर्ति होनी चाहिए। और यदि उनको घटिया सामान मिला है, डिफेक्टिव सामान मिला है, तो जल्दी से जल्दी उसका समाधान हो। और इस कानून में एक सबसे बड़ा जो समाधान है कि 45 डेज के अंदर में आपको डिसाइड करना होगा, आपको ऑर्डर दिलाना होगा, आपको लोगों को बताना होगा कि उनका जो शिकायत है वो जायज़ है कि नहीं जायज़ है, ताकि लोग आगे ये समझ सके कि उसका सुनवाई फिर अपील करें नहीं करें, किस ढंग से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये नहीं हो रहा है, यू नो, सालों लग जा रहा है लोगों को अपना क्षति का पूर्ति मांगने के लिए, और लोग बड़े परेशान हैं। स्पेशली उपभोक्ता को ये महसूस हो रहा है कि हम क्या 2000 रुपया के लिए 20,000 रुपया या 2 लाख रुपया खर्चा करेंगे एक कानूनी तंत्र में पढ़ने के लिए। तो लोग बड़े उदासीन हो रहे हैं। और इसी को लेकर इस साल का जो थीम है वो है कैसे हम लोग जो पेंडेंसी है, जो डिले हो रही है जस्टिस का, उसको कैसे हम लोग कम कर सके, कैसे हम लोग उसको घटा सके। इसी को लेकर हम लोग इस साल से शुरू कर रहे हैं इसका मुहिम नेशनल कंज्यूमर डे पे, और 24 दिसंबर को हम लोग इसका चर्चा शुरू करेंगे कि किस ढंग से हम लोग सरकार को मना कर आगे ले जा सके कि जो कंज्यूमर वेलफेयर फंड है उसका उपयोग कैसे सही ढंग से करें, और कैसे जल्दी से जल्दी लोगों को अपना कंज्यूमर शिकायत, उपभोक्ताओं का शिकायत का समाधान हम लोग दिला सकें। जी, उपभोक्ता शिकायत निवारण पर आपने ध्यान दिलाया, और जो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, कहीं ना कहीं उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि इसको कैसे दूर किया जाए। देरी से न्याय जो है न्याय नहीं होता है, तो इसके लिए किस तरह की प्लानिंग है द कंज्यूमर अवेयरनेस, द कंज्यूमर अवेयर मैगजीन की? हम लोग का प्लानिंग बहुत सिंपल है। फर्स्ट टाइम सरकार ने 2019 को नया कानून लाया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, और हम सोचते हैं कि सर नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री है उनके नेतृत्व में एक ऐसे, मतलब एक सही तंत्र लाएं जहां पर जल्दी से जल्दी लोगों को ये महसूस हो और लोगों को डर हो कि उपभोक्ताओं को आप नहीं शोषण कर सकते हो, उपभोक्ताओं को आप नहीं इस ढंग का व्यापार करें जिसमें उनको क्षति हो, उनको नुकसान हो, उनसे धोखाधड़ी हो, यू नो, जैसे भ्रामक विज्ञापन है, ये सारे चीज़ों को लेकर एक रेगुलेटर बनाया गया है। अब जो रेगुलेटर को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के रूप से दिया गया है कई पावर्स, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि रेगुलेटर यदि कोई गुनाह करते हैं, कोई गलत कर रहे हैं कानूनी रूप से उपभोक्ताओं का, उनको 10 लाख रुपया का क्षतिपूर्ति वो लोग मांग रहे हैं। हमारे 1.4 बिलियन सिटीजन्स को धोखा दिए हैं, करोड़ों रुपया खर्चा, मतलब वो लोग बना लिए हैं प्रॉफिट, गलत ढंग से प्रॉफिट कमाए हैं। 10 लाख तो वो मुस्कुराते हुए देंगे और दे भी रहे हैं, वो गलती से गलती करते रहते हैं, तो कैसे हैबिचुअल जो ऑफेंडर्स हैं उनको कैसे आप पनिश करोगे?
कैसे आप रोक लाओगे, कैसे डर पैदा करोगे ताकि वो दोबारा ना करें, इस पे रेगुलेटर को सोचना होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो अभियान हम लोग शुरू किए हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों को निपटारा मिले अपने शिकायत से, वो तब होगा जब हम लोग उनको बाध्य कर सकते हैं और उनको कानूनी रूप से बाध्य कर सकते हैं कि वो गलत नहीं करें। और यदि वो गलत करते हैं तो उनको इतना पेनल्टी देना पड़ जाए कि वो दोबारा उसके बारे सोच न सके या वो व्यापार करना ही बंद कर दें, गलत ढंग का व्यापार। ये जब तक हमारे देश में नहीं आएगा, हम नहीं समझते हैं कि लोग में वो डर पैदा होगा। और हमने जो विदेश में देखे हैं, लोग क्यों डरते हैं कानून से, क्योंकि उनको मालूम है कि कानून इतने सख्त नज़रिए से, सख्त ढंग से इन्हों गलत लोगों को मतलब पनिश करते हैं कि वो दोबारा उस काम को करने में बिल्कुल डर जाते हैं, नहीं करते हैं, जो हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में लोग मुस्कुराते हुए गलत काम करते हैं और हमारे जो उपभोक्ता हैं, जो अपने कीमती पैसे देते हैं, बड़े कष्ट से जो कमाई करके वो जब ख़रीदारी करते हैं और उनके साथ जब धोखा होता है और वो जब देखते हैं कि सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, अनसेफ प्रोडक्ट्स उनको बेचा जा रहा है, गलत ढंग से बेचा जा रहा है, गलत प्रॉमिस किया जा रहा है और लोग बच जा रहे हैं उससे, तो लोगों में जो विश्वास होना चाहिए तंत्र पे, वो विश्वास घट जा रहा है। और जिसके चलते हो क्या रहा है कि सालों लग जा रहा है उसका निष्कासन करने के लिए। और कोई स्टेट गवर्नमेंट्स उपभोक्ता संरक्षण को लेके, कोई स्टेट गवर्नमेंट्स उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जबकि सारे सरकार चलता है उपभोक्ताओं के पैसे से, सारे सरकार चलता है टैक्स पेयर के पैसे से। और आज हम देखते हैं कि वो टैक्स पेयर या वो कंज्यूमर का कोई एक अस्तित्व नहीं है और कोई उसको नहीं समझता है कि इनके लिए हम लोग सब जी रहे हैं, लेकिन उनको शोषण हम लोग मुस्कुराते हुए कर रहे हैं जो सही नहीं है, और उनको हम लोग दुख दिला रहे हैं, जबकि हम समझते हैं कि उनका फेस पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, उनको समझना चाहिए कि हमारे सही कीमत का हमको सही वैल्यू मिल रहा है। और जब तक वो हम लोग जल्दी से जल्दी नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं सोचते हैं कि हमारे देश एक विकसित देश का घोषणा कर सकेंगे। जी, तो प्रोफेसर मिजन मिश्रा जी, आपका क्या सजेशन है? आपने आज़ादी की अमृत गाथा का 150 कार्यक्रम करने की घोषणा की, अभी 105 कार्यक्रम हुए हैं,